हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संतों के स्वागत में बिछाए पलक पावड़े, जैन समाज के लोगों ने ढोल धमाकों के साथ जैन आध्यात्मिक योगी गणिवर्य आदर्श रत्न सागर मसा आदि गुरु भगवंतों का हनुमान चौक में जोरदार स्वागत किया। सांडेराव से ये खबर आप जानने वाले हैं, जिसमें आध्यात्मिक योगी गणिवर्य आदर्श रत्नागर मसा आदि गुरु भगवंतों के शनिवार सुबह सांडेराव में पदार्पण पर पोपटलाल सूरजमल परमार परिवार के साथ जैन समाज बंधुओं और समाज की महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए वदावनी किए, साथ ही 21 दीप कर संतों की आरती उतारी। इस दौरान शांतिनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टी विनोद सोनीग्रा, चंपालाल संघवी, कांतिलाल संघवी, बाबूलाल सोनग्रा, पिंटू भाई कामदार, दिनेश धोका, महावीर मेवाड़ा सहित जैन समाज के लोगों ने ढोल धमाकों के साथ जैन आचार्य मधुरत्न सागर सुरेश्वर पवित्र रत्न सागर महाराज का हनुमान चौक से गजानन चौक मेन बाजार होते हुए शांतिनाथ जिनालय पहुंचने पर सभी संतों के साथ जैन श्रद्धालुओं ने देव दर्शन का लाभ लिया। दर्शन के पश्चात संतों का पुष्प वर्षा करते हुए जोरदार स्वागत किया। संतों का जीवन होता है निर्मल, संतों का जीवन निर्मल व शीतल होता है, जो कि मृदु भाषिता का एहसास करवाने के साथ जीवन की सार्थकता का संदेश देता है। संत उस दीपक की तरह होते हैं, जो कि स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। संतों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य परोपकार व जनकल्याण की भावना ही होता है। ये बात आध्यात्मिक योगी गणिवर्य आदर्श रत्न सागर महाराज ने शनिवार को भोमियाजी भवन में उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल है और कहीं जन्मों के बाद जाकर मनुष्य का जन्म है, इसे व्यर्थ न खोकर परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हमारे घर में कोई संत या महात्मा गुरु पधारते हैं तो सब काम छोड़कर उनका स्वागत करना चाहिए। जागरूक टीवी के लिए सांडेराव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।